Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. So students, last video में हमने क्या देखा कि जो हमारा work done है isothermal, irreversible, reversible और free expansion में क्या value देगा. अब हम new term study करेंगे, that is enthalpy. अभी तक हमने internal energy study की, जिसे हमने U से represent किया. अब हम enthalpy study करेंगे. Enthalpy क्या होता है और उसे हम किससे represent करते हैं? H से. ठीक है? So it is defined as total heat content of the system. आप जिस सिस्टम को स्टडी कर रहे हो उस सिस्टम में जितना टोटल हीट है ये उस वैल्यू को बताता है. इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क. जो हमारी एंथैल्पी है उसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी इज इक्वल टू एच रिप्रेजेंट एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क. पीवी मीन्स प्रेशर वॉल्यूम वर्क. यही हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो नेक्स्ट हम यूज करेंगे. फर्स्ट हमने देखा डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जिसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोला. अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है? एच इक्वल्स टू यू प्लस पीवी, दैट इज एंथैल्पी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क. और एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी सिस्टम में जो हमारा हीट कंटेंट प्रेजेंट है, मीन्स उस सिस्टम की जो हीट है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी. नाउ चेंज इन एंथैल्पी. चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकालेंगे और कैसे डिनोट करेंगे? किसी भी चीज का अगर आप चेंज स्टडी कर रहे हो तो वो किससे आप डिनोट करते हो? डेल्टा से. तो इसमें भी आप डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करोगे एंथैल्पी को. चेंज इन एंथैल्पी इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड. जो चेंज होता है एंथैल्पी में वो क्या होता है? या तो हीट उसमें एब्जॉर्ब हुई है या फिर इवॉल्व हुई है. किसी भी चीज में कोई चेंज कब आता है? या तो आप उसमें से कुछ निकाल लो या उसमें कुछ ऐड कर दो. तो सेम एंथैल्पी में चेंज कब आएगा? या तो आपका सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है या हीट को गेन कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी हीट का एक्सचेंज होगा, वेदर हीट इज एमिटिंग आउट और इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ये सब किस पे हो रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर. तो हमारे डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू पी. क्यू इज व्हाट? हीट. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब उस टाइम आपके सिस्टम का प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा. एंड फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैसी होती है? जिसमें हीट इवॉल्व होती है, सिस्टम लूजेस एनर्जी टू सराउंडिंग. सो डेल एच एंड क्यूपी बोथ आर नेगेटिव. तब हमारी डेल एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव. और हीट की वैल्यू कैसी होगी? वो भी नेगेटिव. और अगर हम एंडोथर्मिक प्रोसेसेस की बात करें तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है हमारा? जिसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को. दैट मींस व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए या कोई भी चेंज लाने के लिए जब आपने हीट एक्सटर्नली प्रोवाइड की है अपने सिस्टम को, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो उसमें क्या होगा? आप दे रहे हो तो वहां पे पॉजिटिव साइन आएगा. उस टाइम आपकी डेल एच और क्यू पी की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव. और यहाँ पर डेल एच और क्यू पी की वैल्यू कैसी होगी? तो एंथैल्पी क्या हुई आपकी? किसी भी सिस्टम की जो हीट है उसे हम एंथैल्पी बोलते हैं. चेंज इन एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल एच से उसे रिप्रेजेंट करते हैं. और एंथैल्पी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू प्लस पीवी. पीवी दैट इज वर्क. अब हमें रिलेशन देखना है किसमें? डेल एच और डेल यू में. डेल एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी में और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में. इसे स्टडी करने के लिए ना हम दो स्टेट्स कंसीडर करेंगे. देखो, आपको अपने माइंड में सबसे पहली एक बात रखनी है. जहां भी आप चेंज की बात कर रहे हो ना, डेल्टा जहां पे भी लग गया, डेल्टा एच, डेल्टा यू, कोई भी डेल्टा एक्स वाई जेड है, दैट मींस हमारे पास कोई दो स्टेट है, एक इनिशियल है और एक फाइनल है. उन स्टेट का जब डिफरेंस आपको मिलेगा वहां पर आपको चेंज पता लग जाएगा. तो अगर हम डेल्टा एच की बात करें, डेल्टा एच आपने कोई दो स्टेट ली, ठीक है, एक आपकी स्टेट ए है और एक आपकी स्टेट बी है. स्टेट ए में एच ए है और स्टेट बी में एच बी है. स्टेट ए में यू ए, यहाँ पे यू बी, ठीक है. और अगर हम इसके वर्क की बात करें तो वर्क क्या होगा? पी वी ए. क्योंकि ये सब हम कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी कर रहे हैं इसलिए प्रेशर की वैल्यू हमारी सेम रहेगी. तो चेंज किस में आएगा? वॉल्यूम में आएगा. अब हम फर्स्ट अपना रिलेशन अगर कंसिडर करें, एच यू प्लस पी वी, यही था हमारा रिलेशन. दो स्टेट है तो दो स्टेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रिलेशन आ जाएंगे.
HA equals to UA plus PVA, HB equals to UB plus PVB. अब आपको चेंज कैलकुलेट करना है. चेंज कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल, ये आपकी इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल. सो फाइनल माइनस इनिशियल, HB माइनस HA equals to UB plus P. यहाँ पे आपने HB की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, ये HB की वैल्यू थी ना, HB की वैल्यू क्या है, UB plus PVB, वो आपने यहाँ पे रखी. और HA की वैल्यू UA plus PVA. अब UB माइनस UA क्या हो जाएगा, डेल्टा U, डेल्टा U हो गया. P आपका कॉमन है क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो कॉमन आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VB माइनस VA. तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा H को. और ये किसके इक्वल है, HB माइनस HA. HB माइनस HA दैट मींस डेल्टा H. तो हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या आया, डेल्टा H और डेल्टा U में, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V. यहाँ पर क्या है आपका, चेंज इन एंथैल्पी. ये क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और ये क्या हो गया आपका, चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन डराइव हुआ किसमें, डेल्टा एच में और डेल्टा यू.